इनका क्या इम्पेक्ट होता है फ़िज़िकल मैनेजमेंट को हम कुछ हद तक पढ़ चुके हैं मोनिटरी पॉलिसी क्या है ये पापोलेशन की वेलफेयर पे या लिविंग स्टैंडर्ड पे कैसे असरअंदाज होती है इसके अलावा बहुत से मैक्रो इकनिक मैक्रो इकनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उसमें इन्फ्लेशन शामिल है रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेवल ऑफ़ इन्वेस्टमेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय पीपल हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं मनी सप्लाई है रेट ऑफ टैक्सीज हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं ये सारे के सारे वेरिएबल्स uh, किसी भी uh, माशरे के अंदर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं इन में कोई भी चेंज पूरे माशरे में लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को एम्प्लॉयमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवेलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को बजट डेफिसिट को मुतासिर कर सकता है तो ये सारे वेरिएबल्स किस तरह आपस में इंटरलिंक्ड हैं कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से लोग खुशहाल हो सकते हैं या वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से ये सारे वेरिएबल्स मुतासर हो सकते हैं और उसके बाद ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पापुलेशन कैन बी अफेक्टेड ये अब हम पढ़ेंगे और सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो बेसिकली इन्फ्लेशन है लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि पावर्टी इज़ वन ऑफ द इशू ऑफ पापुलेशन इन पाकिस्तान पावर्टी के बढ़ने की एक बड़ी वजह इन्फ्लेशन uh, या कीमतों का बढ़ना भी है कीमतें क्यों बढ़ती हैं पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ रही हैं और उससे पावर्टी पे क्या असर पड़ता है लोग किस कदर मुश्किल का शिकार हैं ये सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हमें यह देखना है कि इन्फ़्लेशन क्या होती है इसकी बुनियादी वजूहत क्या होती हैं पाकिस्तान में कौन सी टाइप्स की इन्फ़्लेशन है और उनको कंट्रोल करने के सबसे बेहतरीन मैथड क्या हो सकते हैं तो ये ओवरऑल एक मैक्रो इकनॉमिक मैनेजमेंट आपका टॉपिक है जो कि पापुलेशन पे अफेक्ट होता है और फर्दर भी इसको एक्सटेंसिवली हम नेक्स्ट आने वाले मॉड्यूल्स में पढ़ते रहेंगे